वेलकम अंजुम किचन में वेलकम। आदाब दोस्तों, तो चलिए बनाते हैं बहुत ही मजेदार सी झटपट बनने वाली खिचड़ी। मसाला खिचड़ी बना रहे हैं, बहुत मजेदार बनके तैयार होती है। और यूं भी मुहर्रम का मंथ चल रहा है और मुहर्रम में अक्सर हमारी अम्मी जो थी वो खिचड़ी और चौलाई की भाजी बनाया करती थी। तो इसीलिए आज हमने सोचा कि जल्दी से मजेदार सी मसाले वाली खिचड़ी बनाते हैं जो कि झटपट बनके तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, इसी से आपको न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। तो चलिए चलते हैं दाल चावल की तरफ। तो यहाँ पे दोस्तों हमने ले लिया है 2 कप भर के बासमती राइस। आप अपने हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से ले लिया आपको कितना लेना है। तो यहाँ हमने 2 कप बासमती को राइस को ले लिया है। और यहाँ पे हमने ले लिया है मूंग की दाल, येलो वाली जो मूंग की दाल होती है ये ले लिया है। और ये है आधी कटोरी, अंदाजे से लिया है, आप इसे कम ज्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे लिया है हमने मसूर की दाल, तो ये भी समझिए आधी कटोरी से थोड़ा सा ज्यादा है, आप दोनों को सेम सेम मिकदार में भी ले सकते हैं। तो ये तीनों चीजें हो गई। अब जल्दी से हम इसे धो लेते हैं और धो के हम आधा घंटे तक इसे सोख होने देंगे। तो उससे क्या होता है कि जो चावल है काफी लंबे लंबे से खिचड़ी के बनते हैं। तो चलिए जल्दी से हम इसे धो के ले आते हैं। दोस्तों हमने इसे खूब अच्छे से 4-5 पानी से धो लिया है और बस इसे अब छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए ताकि खूब अच्छे से ये दाल चावल जो है भीग जाए। तो चलिए मिलते हैं आप आधे घंटे के बाद। अगर आपके पास वक्त है तो आप इसे भिगोएं, अगर वक्त नहीं है तो आप उसी वक्त भी बना सकते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने गैस को ऑन कर दिया है और अपने प्यारे से पॉट को यहाँ पे रख दिया है। इसमें डाल देते हैं ऑयल। ऑयल हम डाल रहे हैं आधा कप के बराबर, क्योंकि चावल 2 कप है और दोनों दालें मिलाकर 1 कप, मतलब टोटल हमारा 3 कप है 1 किलो के करीब। तो हम उसमें आधा कप के करीब डाल रहे हैं ऑयल और थोड़ा सा जायका बढ़ाने के लिए इसमें हम ऐड करने वाले हैं असली घी। जब भी खिचड़ी पुलाव आप बनाएं तो थोड़ा सा असली घी जरूर इस्तेमाल करें, हेल्दी भी होता है और खुशबू भी बहुत प्यारी सी आती है जायके के साथ साथ। तो ये हो गया, अब हम इसमें डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। और वो यूं है, यहाँ पे हमने ले लिया है 3-4 तेज पत्ते, यहाँ पे 4-5 लौंग हैं, यहाँ काली मिर्च, गोल मिर्च है यहाँ पे 1/2 टीस्पून के करीब, 6-7 इलायची हैं, दगड़ फूल हमने ज्यादा लिया है, ये जरूर लीजिएगा, इससे बड़ी प्यारी सी खुशबू आती है। और बस नाम के लिए कलमी ले लिया है छोटे छोटे 2-3 टुकड़े, आप ना भी डालें तो चलेगा। तो ये सारे गर्म मसाले इसमें चले जाएंगे। इन्हें अच्छे से तेल में पहले फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जो अर्क है, इनका जो अरोमा है, इनकी जो खुशबू है वो पूरी तरीके से तेल में उतर जाए। तो जितने अच्छे से ये दगड़ फूल यहाँ पे फ्राई होएगा चावल में उतनी ही ज्यादा इसकी खुशबू आएगी। तो देखिए बहुत प्यारी सी इसमें खुशबू आ रही है। इसमें डाल देते हैं 1 अदद कटी हुई प्याज, पतला पतला सा कट कर लिया है हमने, थोड़ा सा मसल के डाल देंगे तो जल्दी से फ्राई हो जाएगी। तो यहाँ पर 1 अदद प्याज चली गई, 4-5 हरी मिर्च लिया है हमने और वो बीच में से कट कर लिया और वो बीच में डाल देंगे। चलिए अब इन्हें कर लेते हैं हम गुलाबी, ज्यादा लाल नहीं करना है, बस गुलाबी सा करेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो प्याज है हमारी पूरी तरीके से गोल्डन नहीं हुई है, बस होना शुरू हुई है अभी। तो जल्दी से इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि हम डाल रहे हैं यहाँ पे 2 टेबल स्पून के करीब। जिंजर गार्लिक पेस्ट है, घर में पीस लिया करिए, बहुत अच्छा उसका जायका होता है, बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। अगर आप रेडीमेड लें तो उतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो लोग उसमें प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल करते हैं तो कुछ अजीब सी मेडिसिन जैसी बदबू आने लग जाती है। तो यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब घर का पिसा हुआ अदरक लहसुन डाल दिया। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 अदद प्याज, जिसे हमने ग्राइंड करके रख लिया है। अब अच्छे से इन्हें हम भून लेंगे ताकि जो प्याज है और अदरक लहसुन है वो अच्छे से भून जाए, अच्छा पिंक कलर आ जाए इसका। तो बस इसमें डाल देंगे हम थोड़े से मसाले, मसाले ज़्यादा खिचड़ी में डलते नहीं हैं, सिर्फ गरम मसाला है, प्याज है, अदरक लहसुन है और थोड़ी सी हल्दी डलेगी। तो इन्हें पहले भून लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ पे देखिए मसाला हमारा खूब अच्छे से भून गया है,
और बड़ी प्यारी सी खुशबू आ रही है इसमें। मोहर्रम चल रहे हैं, मोहर्रम में अक्सर खिचड़ा बनता है, खिचड़ी बनती है, बाजरे की रोटी और चौलाई की भाजी भी अक्सर हमारी अम्मी बनाया करती थी। लेकिन बस ये था कि आज हमने सोचा था कि हम खिचड़ा बनाएंगे, लेकिन फिर सबने कहा कि नहीं, हमें हैवी नहीं खाना है, आप ऐसा कुछ बनाएं कि लाइट सा हो। तो हमने कहा चलो ठीक है, हम आज मसाला खिचड़ी बना लेते हैं। बहुत मज़ेदार बनती है, ये वन पॉट मील है, झटपट बन जाएगा। तो देखिए मसाला यहाँ भून चुका है, इसमें डाल देंगे हल्दी। तो हम यहाँ पर डाल रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी, और साथ में हम डाल रहे हैं चिकन क्यूब, जो आपको हमेशा हम बताते हैं कि ज़रूर इस्तेमाल करिए। ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल है ये चिकन क्यूब, मैगी का चिकन क्यूब है, हलाल है, तो आप इसमें डाल दीजिए, बहुत प्यारा सा जायका आता है। अगर आपके पास ये मैगी का चिकन क्यूब जो है वो अगर आप चाहें तो वेजिटेरियन में, वेज में भी मिलता है। तो इसे अच्छे से भून लेंगे और ताकि जो हल्दी है थोड़ा सा पक जाए वो। तो ये हो गया है, और बस अब इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी को अच्छे से एक बॉईल आने देंगे। उसके बाद चावल और दालें हमारी भीग रही हैं ऑलरेडी, वो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो आप सबसे पहले इसमें डाल दीजिए पानी। तो यहाँ पे हमने पानी ऐड कर दिया 1 लीटर के करीब, आप अपने अंदाजे से करिएगा। चावल का अंदाजा ऐसा रहेगा कि अगर आपने 1 कप चावल लिया है तो 2 कप पानी। अभी हमने यहाँ पे खिचड़ी के लिया है दालें और चावल मिला के 3 कप, तो उस हिसाब से हमें 6 कप इसमें पानी डालना है। और आप चाहते हैं कि एकदम फरेरा फरेरा सा बने तो आप 5.5 डाल दीजिए, थोड़ा सा कम कर दीजिए, डबल से आप थोड़ा सा कम कर दीजिए। अब सारी चीज़ें तो इसमें चली गई, अब बचा है नमक, तो इसमें ऐड कर देते हैं नमक। नमक हम बाद में इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि जो चिकन क्यूब डाला था, चिकन क्यूब में भी नमक होता है, तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा बाद में डाल रहे हैं इसे। तो यहाँ पर हम 2 टीस्पून डाल रहे हैं नमक। नमक को एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हर चीज़ बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए क्वांटिटी में, नहीं तो जायका उतना अच्छा नहीं आता। बिल्कुल सही है, तो चलिए इसमें एक बॉईल आने देते हैं। तो ये लीजिए, पानी खूब अच्छे से जोश मार रहा है, आप देख सकते हैं। बस अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो भिगोए हुए चावल थे। तो ये सारे चावल इसमें चले गए, अब डाल देते हैं मसूर की दाल। साथ में डाल देंगे मूंग की दाल। मूंग की दाल इसलिए मिलाया है कि इसका भी जो मजा होता है बड़ा सुंदर सा होता है। तो जब भी आप खिचड़ी बनाएं तो हमेशा खिचड़ी में मूंग की दाल जरूर मिला लिया करें, सिर्फ मसूर की दाल के साथ मत बनाइएगा, और दोनों दालें बड़ी हेल्दी होती हैं। तो यहाँ पर नमक हमने उस वक्त चेक कर लिया था, आप फिर से एक बार चेक कर लें। और अगर आपको अंदाजा रखना है चावल का और पानी का कि आपको कितना लेना है, तो हमेशा एक चीज का ख्याल रखिएगा कि जो आपके चावल हैं उससे पानी जो है वो 1 इंच, मतलब इतना 1 इंच ऊपर होना चाहिए। तो चलिए बस अब क्या करते हैं, इसे अच्छे से उबलने देते हैं उस वक्त तक जब तक इसका पानी जो है सूख ना जाए और सिर्फ नीचे तले में रह जाए। तो दोस्तों जब तक हमारी खिचड़ी पक रही है, हमने दही वाली जो मिर्ची होती है उसे तल लिया है, बड़ी प्यारी लगती हैं ये, बिल्कुल भी खाने में तेज नहीं होती। इन्हें दही में भिगो के रखा जाता है, फिर सुखाया जाता है, फिर दही में डाल दिया जाता है और फिर इसे निकाल के सुखाया जाता है। इस तरीके से 3-4 बार उस प्रोसेस को करते हैं तो ये जो मिर्ची होती है इसमें बड़ी प्यारी सी खटास आ जाती है। तो हमारी दही वाली मिर्ची जो है ये बिल्कुल भी तल के रेडी है। और अब हम तलने वाले हैं हरी मिर्च, तो इसे थोड़ा सा बीच में से इस तरीके से कट कर लेंगे हम। टमाटर की चटनी और इस तरीके के तली हुई मिर्च खिचड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अचार आप कोई भी ले लें, चाहे वो नींबू का हो या आम का हो या खट्टा मीठा हो। तो इस तरीके से बीच में से हमने कट कर लिया और गरम गरम तेल में बस इसे डाल के निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। बस 2 मिनट तक होने देंगे इसे, बहुत ज्यादा नहीं करना है, उसकी जो खुशबू है और जो हरापन है वो बरकरार रहना चाहिए।
बस थोड़ा सा फ्राई हुए इसे नरम नरम ही निकालेंगे और फिर इसके ऊपर से डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा और नमक। तो यहाँ पे देखिए इसे खोल के देखते हैं, देखिए कितनी प्यारी तल गई है, आपको अच्छी से खुशबू भी आ रही है। बस अब इसे निकाल लेते हैं। तो ये देखिए हमने इसे निकाल लिया, ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा पाउडर, भून के कुटा हुआ जीरा पाउडर है ये, और इसमें साथ में डाल देते हैं नमक। आप अगर चाहें तो आप नींबू डाल लीजिए, लेकिन नींबू डालने से थोड़ा नरम हो जाती है मिर्ची, इसे हम इस वक्त नहीं डाल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों पानी पूरी तरीके से आपको ऊपर नजर नहीं आ रहा है, यहाँ साइड में कहीं पे भी पानी नहीं है, लेकिन बस आप अगर ऐसे अंदर आप देखें तो थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, ये देखिए। तो इस वक्त क्या करेंगे, ज्यादा चमचा नहीं चलाना है, ज्यादा चमचा चलाने से जो चावल होते हैं वो टूट जाते हैं। तो बस इसे इस वक्त हम ढक्कन ढक के गैस को बिल्कुल भी कर देंगे सिम। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे खुशबू के लिए। इसे कर देंगे कवर और गैस को कर देंगे बिल्कुल भी सिम। इसे अच्छे से 5-10 मिनट के बाद हम खोल के देखेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों यहाँ पे कम से कम 5-6 मिनट हो गए हैं खिचड़ी को दम होते हुए, हम चलिए इसके ढक्कन को हटाते हैं। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत प्यारे तरीके से यहाँ दम हो गई है हमारी खिचड़ी। हम गैस को बंद कर देते हैं और चलिए करते हैं इसे सर्व। हम आपको बताते हैं और हम किन किन लवाजमात के साथ इसे नौश फरमाने वाले हैं, तो चलिए करते हैं सर्व इसे। तो हमने यहाँ पे तैयारी पूरी कर लिया है, जैसे कि आपको हमने बताया था कि हरी मिर्ची हमने तला है, यहाँ पे दही की मिर्ची भी तला है, यहाँ पे बहुत मजेदार से मैके से आया हुआ आम का अचार है, आप देख रहे हैं बहुत ही मजेदार है। तो ये भी यहाँ पे रख लिया है और अब चलिए निकाल लेते हैं खिचड़ी। बिस्मिल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है और आप यकीन जानिए पुलाव से कहीं ज्यादा ये खिचड़ी खाई जाएगी आज। कितनी झटपट बन गई है, अक्सर ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा मुर्गन गजाएं खाने के लिए दिल नहीं होता कि भाई नहीं चाहिए आज मटन चिकन, कुछ ऐसी चीज हो जो मजेदार भी हो और खाने के बाद लाइट सा फील हो। तो चलिए हमने इसे सर्व कर दिया है। तो दोस्तों ये हमारी तैयार हो गई है टमाटर की चटनी, जो कि बहुत ही मज़ेदार और जूसी जूसी सी बनी है, बहुत तेज़ है। और टमाटर की चटनी का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, यहाँ ऑलरेडी हम इसे शूट कर चुके हैं। तो ये भी हमारी यहाँ पर हो गई है ऐड। अब देखिए वैसे एक ही चीज़ बची है इसमें, लहसुन और हरी मिर्ची का ठेचा, तो वो हमने अभी तक बनाया नहीं है, भूख बहुत ज़ोरदार लग गई है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हम इसे अपनी प्लेट में कैसे सजाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे खिचड़ी ले लिया है, अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर मज़ेदार वाली जूसी जूसी सी टमाटर की चटनी, और साथ में हम यहाँ रख लेते हैं मिर्च, वाओ, यहाँ ले लेते हैं हरी मिर्च, और यहाँ लेने वाले हैं हम आम का अचार जो कि बहुत ही मजेदार सा है। और फिर हम इसके ऊपर डालेंगे और जायका बढ़ाने के लिए थोड़ा सा असली घी, बहुत मजेदार। और कुछ इस तरीके से इसी में तोड़ के रख लेंगे ये मिर्च, इसी में तोड़ के रख लेंगे हम ये वाली मिर्च और इसे खाएंगे अचार के साथ, बहुत मजेदार। तो दोस्तों जल्दी से जाइए झटपट से अपने किचन में ये बहुत ही मजेदार सी मसाला खिचड़ी बनाइए। चक्के तो बता दिया आपको कि बेइंतहा मजेदार बनी है ये खिचड़ी, मसाला खिचड़ी, और खूब अच्छी फरेरी फरेरी सी बनी है। तो इस हिसाब से आप मेजरमेंट भी रखिएगा। टमाटर की चटनी है साथ में, मजेदार सा आम का अचार है यहाँ पे, ये सारी मिर्चियां हैं। तो इन लवाजमात के साथ हम इस खिचड़ी को खाने वाले हैं। तो आप भी बनाइए और मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बहुत आसान सी रेसिपी है, लेकिन देखिएगा कि पूरे फैमिली वाले आपको इस मसाला खिचड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि बहुत आसानी से तो बन ही गई है, लेकिन ये पुलाव से कुछ कम भी नहीं है। तो दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे anjums.kitchen पे। अपना ख्याल रखिए और दुआ में भी याद रखिए। खुदा हाफिज़।